उधर दोस्तों 1500 रुपया अलग रखा हुआ है, 500 का नोट, और इधर ये वाला है, देख सकते हैं ये कितना है, ये गिनती करना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज है 16 जनवरी, तिला संक्रांत, मकर संक्रांति तो ख़त्म हो गया। ठंडी के मौसम में ऐसा मौसम रहता है तो सबको आस रहता है कि तिला संक्रांत है तो तिला संक्रांत के बाद धूप उगेगा, लेकिन आज 16 तारीख है, आज भी ऐसा ही है। और ठंडी भी थोड़ा इस साल जो है ना थोड़ा लेट पड़ा है, तो हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक ठंडी रहेगा, देखते हैं कब तक ऐसा ठंडी रहता है। और इस समय का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, मैं सरिया की तरफ आ गया घूमने, दोस्तों 7:15 हो गया अभी, आज 6:30 बजे आए हैं, और इस समय का व्यू देख सकते हैं, धुंध लगा हुआ है, धुंध भी है, ठंडा भी है, और थोड़ा थोड़ा बारिश के फुहारा जैसे बूनी जैसे पड़ रहा है। तो देख सकते हैं पूरी तरह से मिट्टी, रास्ता पूरी तरह से गीला जैसे है। तो अभी मैं आ गया इधर, वीडियो भी अपलोड हो चुका है, और चलते हैं थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं, तो फिर घर चलेंगे, घर पर चल के, और उसके बाद में माल तो सर यही लिया हूँ, फेरी पर चलेंगे, कल मकर संक्रांति था तो माल सर यहाँ लिए, और बहन के यहाँ चले गए दही चिवड़ा उड़ा लाई लेकर के, तो इस वजह से फेरी पर नहीं गए, तो आज चलेंगे फेरी करने। तो फिलहाल अभी इधर से घूम के टहल वहल के चलते हैं, 10 बजे से चलेंगे फेरी करने सब दिन की तरह, क्योंकि दोस्तों 10:30 होने 11 बज ही जाता है इस समय फेरी पर निकलते निकलते। तो चलिए चलते हैं, और इधर अभी देख सकते हैं मैं, इधर कब्र स्थान है ये देख सकते हैं, और इधर काम चालू हो चुका है देख सकते हैं, इधर कल जो है ना JCP से सब खुदाया देख सकते हैं, बाउंड्री घेराएगा इसका, उसके बाद देखते हैं कि रास्ता किधर से निकलता है, क्योंकि थोड़ा बीच होकर के ही है, तो लगता है साइड होकर के रास्ता निकलेगा, देखते हैं कैसे निकलता है, तो आप लोगों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। फिलहाल चलते हैं दोस्तों आगे से घूम के आ जाते हैं, देख सकते हैं इधर आते हैं हमेशा करके घूमने, ये जामुन का पेड़ 5 बहुत मस्त लगता है हमको, तो आते हैं इधर से घूम करके और फिर चलेंगे घर पे, मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए घर और चाय पीते हैं, और देख सकते हैं इधर सुशील, श्रवण, कृष्णा सब चाय बिस्कुट खा रहे हैं, तो मैं चाय पी लेता हूँ, और माल तो सही आ रहे हैं, फिलहाल चाय पीते हैं। दोस्तों अभी 9:45 हो गया है, और अभी मैं माल लोड कर लिया हूँ, गमछा खाली लोड करने का है देख सकते हैं, तो चलते हैं गमछा लोड कर लेते हैं, और अभी खाना भी नहीं खाया, पहले गमछा लोड कर लेते हैं, खाना खा के फिर निकलेंगे, अभी 9:45 हो गया है, तो गमछा ले चलते हैं। तो गमछा भी लोड हो गया दोस्तों देख सकते हैं, चलते हैं खाना खा के फिर निकलेंगे। तैयार हो चुका हूँ कपड़ा वपड़ा पहन करके, और अभी चलते हैं खाना खाते हैं, तो इधर खाना भी लग गया है, साग है, चावल है, दाल है, और कचरी है सालगम का, बंधा गोभी, तो खाते हैं उसका निकलते हैं। कृष्णा है इधर, सरवण, और इधर सुशील है, भागना एक कल बहन ही आया हुआ था, इधर ही बहन रहता है हमारे घर से 1 किलोमीटर पर, तो लाल चूरा वो दे दिया, और अभी यहाँ पे है, तो ये कल जाएंगे, तो अभी मैं खाता हूँ उसके बाद में फिर निकलता हूँ, चलिए खाते हैं। बाप रे इतना ज़्यादा ठंडी है दोस्तों, घर से मैं अभी निकल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है, थरथरा रहे हैं, 3-3 को पजामा पहने हुए हैं, 4 पजामा पहने हुए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। हमने 11 बजे से निकला है दोस्तों, अभी 11 बजे में 5 मिनट बाकी है, चलते हैं और देख सकते हैं किस तरह का मौसम है, और आज का दिनचर्या कैसा रहता है, कितना का सेल हो पाता है। फिलहाल चलते हैं घूमते हैं 1-2 गाँव में घूम करके, फिर मिलते हैं। अभी पिछला घर दिख रहा है, उसमें एक टावर बिका है सियान वाला, तो कोहनी अभी हो गया है 90 रुपये से। फिलहाल चलते हैं घूमते हैं और देखते हैं आगे अब कितना का सेल होता है अगला गांव में। दोस्तों अभी 12:45 हो गया है, लगभग 1.25 घंटा समय लग गया है पिछला वाला गांव में, और दोस्तों जब लेने का मन नहीं रहता है तो दाम ऐसा लगाता है कि मतलब जितना ख़रीदारी रहता है उससे भी कम लगाएगा। तो इस वाले प्लाजो में का सूती वाला देख रहे हैं, इस वाले प्लाजो में सबको मालूम है कि 100 रुपये बिकता है, और
सब हाथे हाथे ले लिया है, 10 गो है, 8-9 गो 8 गो तक ले लिया था सब हाथे हाथे। रेट का आ रहा है 70 रुपया 60 रुपया, सबको मालूम है कि 100 रुपये बिकता है। और उसको 120 रुपये बोला हूँ, उससे 10 रुपये करके 100 रुपये लास्ट लगा दिया हूँ, लेकिन वो सब 80 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था। पहले तो 60 रुपया 85 रुपया लगाया है। तो यही बात होता है दोस्तों, जब लेने का मन रहेगा तो आप कितना भी अकड़ सकल आए ले लेगा, फट से ले लेगा। और नहीं लेना होता है तो ऐसा दाम लगाएगा कि आप उतना में दे ही नहीं पाओगे। जितना खरीदारी रहेगा उतना ही रेट लगाएगा, उससे भी कम लगाएगा। तो इसलिए दोस्तों उससे घबराना नहीं है, आप जितना बेचना चाहते हैं उतना ही बेचिए, मतलब डट के रहिए। और बहुत माथा पीछे करता है, जब लेना आपका मन नहीं रहता है ना, तो रेट कम लगेगा और ज़्यादा टाइम पास करेगा, पेरेगा। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल चलते हैं, इस गांव में घूम लिए, एक ही जगह पौन घंटा आधा घंटा से ज़्यादा समय लगा दिया, अभी का एक भी नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगले गाँव में घूमते हैं और फिर मिलते हैं, देखते हैं अगला गाँव में कितना का सेलिंग होता है। तो आखिरकार अगला गाँव में आया हूँ, छोटा ही टोला था लेकिन एगो प्लाजो वहाँ पर बिक गया है, सूती वाला में से 95 रुपया में बिका है। क्योंकि दोस्तों छोटा साइज था, बहुत छोटा साइज था, लगभग 10 साल का था, सियान वाला 100 रुपये बेचते हैं लेकिन 10 साल का था, तो 5 रुपया कम कर दिए हैं। और दोस्तों छोट लड़की छोट बच्चे हो या सियान हो, मोल भाव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। छोटी बच्ची थी लेकिन बहुत ज़्यादा मोल भाव कर रही थी। तो चलिए अभी चलते हैं, अगला गाँव सिंहरवा है, तो घूमते हैं इस गाँव में और इस गाँव में घूम करके और फिर मिलते हैं, देखते हैं इस गांव में कितना का सेल होता है। ट्राउजर जैकेट स्वेटर लीजिए, लगे प्लाजर जी 2:45 हो गया है और एक ही गांव में उसी समय से था, लगभग 2:45 घंटा समय लग गया एक ही गांव में। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों और मोल भाव बहुत ज़्यादा करता है इसकी वजह से। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल अभी अगले गाँव की तरफ, और इस समय का मौसम देख सकते हैं इस तरह का है, सुबह के मौसम जैसा ही है। तो फिलहाल चलते हैं अगला गाँव में घूमते हैं। तो हमारा गाँव में बोली लगाने का आवाज़ इस तरह का है, लुंगी गमछा लीजिए, ट्राउज़र जैकेट स्वेटर लीजिए, लेगी प्लाजो लीजिए, इस प्रकार का है। लेकिन इसमें आ जाता है जैकेट स्वेटर, तो जैकेट स्वेटर तो मैं नहीं रखता हूँ, तो जैकेट स्वेटर को छांटना चाहता हूँ इस आवाज़ को। तो देखते हैं प्रचार बनाते हैं किस प्रकार का होगा, देखते हैं बना करके। लुंगी गमछा लीजिए, ट्राउज़र स्वेटर जैकेट, लुंगी गमछा लीजिए, कुर्ती नाइटी स्वेटर, नहीं बन रहा है दोस्तों। देखेंगे सही से प्रचार बना के, सही से बना के, और उसमें से जैकेट और स्वेटर को छांटना है, देखते हैं उसके बाद में फिर आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार का प्रचार हम बनाए हैं। दोस्तों अभी 2 गांव घुमा हूँ वहाँ से चलने के बाद, और प्रचार बनाने का सोच रहा हूँ तो लॉ नहीं बन रहा है बोलने का, क्योंकि 4-5 आइटम का नाम बोलना होता है तो उसका जो है ना लाइन नहीं बैठ रहा है, तो वैसा ही बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों अभी 4:15 अभी हो गया है, 4:20 हो रहा है। तो पीछे वाले गांव से घूम के आया हूँ, लगभग 650 का सेलिंग हुआ है इस गांव में, और यहीं से घूम जाते हैं दोस्तों। 4:30 अभी होने वाला है, तो घूमते हैं यहाँ से, जिस गाँव में घूमे हैं उसी गाँव में घूमते हुए से चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया है, ठंडा ज़्यादा है तो आगे नहीं जाएगा, आगे जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आगे नहीं जाते हैं, यहीं से घूम जाते हैं, जिधर से घूमे हैं उधी उसी होकर के घूमते हुए फिर चलते हैं घर की तरफ। देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है, ऐसे भी आधा घंटा समय है तो फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों अभी उसी रास्ते से आया हूँ जिस रास्ते से इधर से गया हुआ था फेरी करने, तो इधर से तो बिक्री हुआ है, उधर से आने में वो तो बताया कि कितना बिक्री हुआ है ऐसे, और उसी का मैं फिर रिटर्निंग आया हूँ तो रुकाया है, एक ही आदमी रुकाया है, तो नाइटी का दाम पूछा है, बड़का नाइटी सूती वाला, तो सूती वाला नाइटी था, अब 12 साइज था, तो बोलता है साइज बड़ा है कि छोटा साइज लेना है। तो सूती वाला को तो 12 सूती में जो लेता है उसको तो 12 साइज रहता ही है, फिटिंग कराना पड़ता है उसको, बोले फिटिंग करा लीजिए, तो बोलता है कि ना छोटा साइज लाना, तो बता रहा तो नहीं लिया है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, टाइम दोस्तों अभी 5 बजने में मात्र 10 मिनट बाकी है, तो फिलहाल चलते हैं घर। दोस्तों टोटल सेलिंग की बात करें तो दोस्तों कितना का सेलिंग हुआ है, तो चलिए यहीं पे मिला लेते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसे भी मैं आ गया हूँ अपने गांव के आसपास में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर दोस्तों 1500 रुपया अलग रखा हुआ है, 500 का नोट, और इधर ये वाला है देख सकते हैं ये कितना है, ये गिनती करना है खाली,
तो इधर हो गया 300 साढ़े 300 18 1800 और इधर कितना है गिनती करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 गो इधर है, 9 दुनिया 18 180 200 रुपया। तो दोस्तों सारे गिनती कर लिया, 200 ये हुआ 18.5, 2050 रुपया है। 2050 में से मैं 250 रुपया लेकर गया हुआ था। तो दोस्तों आज का सेलिंग 1800 का हुआ, क्योंकि 250 रुपया निकाल देंगे 2050 में से, 1800 बचे जाएगा, 1800 आज का सेलिंग हुआ। अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किए हैं, 5 बजे में 10 मिनट बाकी है, चलते हैं फिलहाल घर पे। टाइम मिलेगा तो नाश्ता करेंगे, नहीं तो सीधे घर पे चलेंगे। तो आज पेट्रोल भी नहीं डलाए हैं, पेट्रोल चल रहा है पहले वाला ही, आप पेट्रोल भी नहीं डलाए हैं और नाश्ता भी नहीं किए हैं, फिलहाल चलते हैं। 1800 का आज सेल हुआ, सेल तो अच्छा हुआ, लेकिन ठंडी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, थर थर आ रहे थे, इतना सुबह था ये ठंडी था। ऐसे भी दिन भर तो ठंडी था ही, हाथ कनकना ही रहा है, दस्ताना लगा के चलते हैं तो ठीक रहता है। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर पे, और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर से कल सुबह एक और नई वीडियो में, और दोस्तों अब कहीं नहीं घूमेंगे, सीधे घर चलेंगे। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। तो दोस्तों आते आते रास्ते में 110 रुपये का सेल हो गया ट्राउज़र और कच्छा छोटे बच्चे का,